2024 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है, parivahan.gov.in। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपको ऊपर में ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, इसमें से एक ऑप्शन मिलेंगे ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन में आपको सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएंगे, इसमें आपको पहले आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का नाम इस लिस्ट में सब सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टेट दिखाई जाएगा, सभी स्टेट इंडिया का, इसमें से जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे लाइसेंस सर्विसेज आपको दिखाया जाएगा, जैसे इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इशू ऑफ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, चेंजेस ऑफ एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस पेज में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। पहला एक ऑप्शन मिलेंगे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कुछ स्टेप है जो आपको देखना है, जैसे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस, प्रिंट रिसिप्ट एंड LL स्लॉट ब्लू आपको करना है। इसके लिए आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिलेंगे जनरल का। तो ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर जनरल लेना है। नीचे आपको एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस आप कोई भी होल्ड में आपका नहीं है, आप पहले से नहीं बनवाए हो, इसके लिए आपको इसको सिंपली सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे सबमिट विया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ कर सकते हो या बिना आधार कार्ड के भी आप लाइसेंस बना सकते हो। तो इसके लिए आपको पहला जो ऑप्शन है आप आधार कार्ड से ही बनवाई आपके सुविधा होंगे। इसके लिए पहला ऑप्शन चूज करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आधार कार्ड नंबर, स्टेट पहले से ही आ चुका है, नीचे आपको आधार कार्ड नंबर और वर्चुअल आईडी दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आपका अगर आधार कार्ड नंबर आपके पास है तो आधार कार्ड चूज करके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी में क्लिक कर दीजिए। आधार कार्ड के साथ जो भी फोन नंबर जुड़ा हुआ है उसमें ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको नीचे इस बॉक्स में आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉन्सेंट देना है, तीनों बॉक्स में कॉन्सेंट देने के बाद आपको ऑथेंटिकेट जो बटन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में जब भी आप क्लिक कर दोगे आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स, जो भी फोटो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आधार कार्ड के साथ ये जो पोर्टल है ये जुड़ा हुआ है, इसके लिए सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। कुछ कुछ डिटेल्स है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो या दे सकते हो। तो आप यहाँ पर आपका जो डिटेल्स यहाँ पर से आप एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको फोटो भी दिखाया जाएगा, नीचे आपका एड्रेस डिटेल्स भी दिखाया जाएगा। आप इसमें से एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इसको आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपके स्टेट में जो भी नजदीकी आपका आरटीओ ऑफिस है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है इस लिस्ट में से, क्योंकि आरटीओ ऑफिस के बिना आप इस लाइसेंस को नहीं बना सकते हो। इसके लिए आरटीओ ऑफिस इसमें आपको सिलेक्ट करना है। आपके स्टेट में जितनी सारी आरटीओ ऑफिस आपको आपके स्टेट में है सारी आरटीओ ऑफिस यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो आपका घर के नजदीकी जो भी आरटीओ ऑफिस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपको सुविधा होंगे। आरटीओ ऑफिस देने के बाद आपको यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर्स नेम आप यहाँ पर अच्छी तरीके से वो देख लीजिए, जो भी आधार कार्ड में है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नीचे आपको प्लेस ऑफ बर्थ देना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। तो आप यहाँ पर आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आप दे सकते हो, लोएस्ट आप 8 पास से इस ड्राइविंग लाइसेंस को बना सकते हो, ठीक है। आप अगर इलिटरेट हो तब भी आप इसको बना सकते हो। नीचे आपके आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार कार्ड में जो भी फोन नंबर है वो फोन नंबर दीजिए। यहाँ पर आपका एक मेल आईडी आप दे दीजिए, यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक दीजिए और ब्लड ग्रुप में आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पर डाल सकते हो या नहीं भी डालोगे तब भी ये चलेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी मार्क आपके अगर बॉडी में है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर दो ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन मार्क का, आप इसमें से एक भी डाल सकते हो या नहीं भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो आपके हिसाब से। नीचे यहाँ पर आपको स्टेट आपका एड्रेस पूरी एड्रेस दिखाया जाएगा, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस आप एक बार अच्छी तरीके से वो चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आप नीचे नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस में कितने दिन से रह रहे हैं वो आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। नीचे आपका सब डिस्ट्रिक्ट
यहाँ पर गांव या कस्बे का नाम यहाँ पर आ चुका है लिस्ट, इसमें से चूज कर सकते हो। आपका कोई भी हाउस नंबर फ्लैट नंबर है वो दे सकते हो। नीचे ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस में आप कितने दिन से रह रहे हो वो आपको यहाँ पर डालना है आपका एज के हिसाब से। अब अगर आपका एज 18 साल है या 25 साल है जो भी है आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। 25 साल या 27 साल से आप यहाँ पर रह रहे हो इसी एड्रेस में वो आप यहाँ पर डाल दीजिए आपके एज के हिसाब से। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है ऊपर बॉक्स में चेक कर दीजिए, दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको यहाँ पर लाइसेंस का ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, आप अगर स्कूटी लेना चाहते हो तो आपको मोटरसाइकिल विदाउट गियर इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। सेकेंड वाला ऑप्शन है मोटरसाइकिल विद गियर, आप अगर बाइक लेना चाहते हो तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर चूज करना है। आप अगर दोनों ही लेना चाहते हो तो आपको दो ऑप्शन में एक ऑप्शन में क्लिक करके एरो में क्लिक कर दीजिए, राइट साइड में वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। लाइट मोटर व्हीकल्स का अगर चाहते हो तो वो भी ऑप्शन चूज करके एरो में क्लिक कर दीजिए, राइट साइड में यहाँ पर वो आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ही आप अगर जिसका भी लाइसेंस बनाना चाहते हो मोटरसाइकिल विद गियर विदाउट गियर या इसके साथ साथ फोर व्हीलर का भी, तो आपको ऐसे ही पैसा पेमेंट करना है और ऐसे ही आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पर दिस एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल से आप अगर ट्रेंड हो तो यहाँ पर टेक चेक करके आप यहाँ पर उस स्कूल के हिसाब से नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगर कोई भी स्कूल से ड्राइविंग आप नहीं सीखे हो तो इस बॉक्स में चेक देने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम नंबर वन, ये जो ऑप्शन है इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको वो रीड करके इस ऑप्शन को आपको यस नो आपको करना है। तो ये जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। आपके कोई भी अगर बीमारी है या कोई भी आपका अगर अटैक है कुछ भी है आपका अगर शरीर में वो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो इसको आप नो कर दीजिए। ब्लाइंडनेस है, आप रात में नहीं देख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नाइट ब्लाइंडनेस है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम या साउंड सिग्नल का प्रॉब्लम है आप दिखने को या सुनने को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इसको यस करें, नहीं तो इसको आप सबको इसको नो कर दीजिए। सिर्फ सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसको आप यस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके सबमिट बटन में क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। फ्रॉम सबमिट फ्रॉम वन जो है सेल्फ डिक्लेरेशन वो फ्रॉम यहाँ पर फिजिकली फिटनेस इसका जो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। फिजिकली फिटनेस के लिए ए सेल्फ फ्रॉम वन दिया जाता है, तो ऐसे ही आप करना है। नीचे एक नंबर पे ऑप्शन है आप अगर आपके अगर कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंटल डेथ, इसके हिसाब से आप अगर आपका ऑर्गन इसमें आप अगर किसी को भी देना चाहते हो डोनेट करना चाहते हो तो इसको यस कर दो, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन में सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ जाएंगे। तो मेरा जो फॉर्म है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का वो सबमिट मेरा हो चुका है। इसको आपको सिंपली नीचे ओके वाले बटन में क्लिक करके ओके कर दीजिए। आपको एक रेफरेंस आईडी यहाँ पर मिलेंगे, एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे, इस पेज को प्रिंट आउट करके रखिए, इसके बाद में आपको काम आएंगे। यहाँ पर इसको आप ओके कर दीजिए, देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डेट आपका नाम डेट ऑफ बर्थ फादर्स नेम ब्लड ग्रुप एप्लीकेंट जेंडर सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। इस पेज को प्रिंट आउट करके रख लीजिए आपके पास। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको नेक्स्ट वाले जो बटन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको इसको करना है। एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, कैप्चा कोड देके आप सबमिट बटन में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपका पहला जो फॉर्म यहाँ पर आपको शो होंगे, जो भी फॉर्म आपने फिलअप किए थे। फॉर्म शो हो जाने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर पहला जो स्टेप आपको यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे जो है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स लर्नर लाइसेंस कंप्लीट हो चुका है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ पर इसको भी आपको देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम डेट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन पे आते हैं, आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। आप अगर आधार कार्ड का जो भी फोटो है वही रखना चाहते हो तो ऐसे ही रख सकते हो, नहीं तो आप फोटो यहाँ से चेंज कर सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस का। तो दो ऑप्शन मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको मुझे ये पर चेक करके प्रोसीड करना है, क्योंकि ये स्टेप कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन चूज करके प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ऐसा कुछ डिटेल्स अपने अभी फिलअप किए थे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करके आप आपका फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, नया फोटो देना चाहते हो तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर के जगह पे आप आपका एक व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करके ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके आप यहाँ पर ब्राउज बटन में क्लिक करके इसको अपलोड एंड व्यू फाइल में क्लिक करके इसको आप अपलोड कर दीजिए।
प्रोसीड टू आधार फोटो अगर करोगे तो आधार कार्ड में जो भी फोटो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर खुद से फोटो आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो आपको अपलोड एंड व्यू फाइल में क्लिक करके आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर फोटो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड एंड व्यू फाइल यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका फोटो जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। आप देख सकते हो मेरा फोटो, फोटो के नीचे मेरा नाम यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल कर लीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको अभी जो मेरा तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे फीस पेमेंट करना है। इसके लिए फोर्थ ऑप्शन चूज करके आपको प्रोसीड बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको स्लॉट बुक करना है, आपको जब भी एग्जाम देने के लिए जाने होंगे। यहाँ पर प्रोसीड कर लीजिए फोर्थ ऑप्शन चूज करने के बाद। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको दिखाया जाएगा, आपको कितना पैसा यहाँ पर पे करना है। जैसे आप अगर सिर्फ बाइक के लिए करना चाहते हो तो आपको पैसा कम लगेंगे। आप अगर बाइक के साथ फोर व्हीलर का भी लाइसेंस एक साथ बनवाना चाहते हो तो आपको कुछ ज़्यादा पैसा पे करना होगा होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो मेरा फीस मुझे 350 रुपीज़ मुझे यहाँ पर पे करना है लाइट मोटर व्हीकल्स और बाइक के लिए। यहाँ पर पेमेंट गेटवे में SBI ई ग्रिप्स जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद पे नाउ बटन में आपको क्लिक करना है। ऐसा कुछ आपका डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए। आई एग्री बटन में क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्ट करना है, SBI। उसके बाद मेरा जो चालान है यहाँ पर मुझे पे करना है। आपके सामने पेमेंट होंगे, आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की मदद से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ स्लिप आ जाएंगे। ये जो स्लिप है आप यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए, तो बाद में इस स्लिप की आपको ज़रूरत होंगे। स्लिप आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मुझे सिर्फ यहाँ पर स्लॉट मुझे बुक करना है। तो यहाँ पर स्लॉट बुक करने के लिए आपको पहला पेज में आपको जाना है। तो आपको यहाँ पर पहले जो रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल है यहाँ पर आपको देखना है, इसके लिए इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे। OTP यहाँ पर देने के बाद लैंग्वेज सेट कर लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को देना चाहते हो लर्नर लाइसेंस के लिए। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। आपके सामने वीडियो ओपन होंगे, इस वीडियो को आप पूरी तरीके से एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लर्नर लाइसेंस टेस्ट में। आप वीडियो एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, देखने के बाद आपको एग्जाम देना होगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यू सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, मैंने यहाँ पर देख लिया है। अभी मुझे प्रोसीड फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए मुझे यहाँ पर जाना है। इसके लिए प्रोसीड फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट में मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एग्जाम होंगे। आपको 10th क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसमें से आप अगर 5 क्वेश्चन का सही सवाल दे देते हो तो आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाएंगे। यहाँ पर लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर पहले आपको जो मिला था वो एप्लीकेशन नंबर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा भेजा जाएगा। वही SMS में जो पासवर्ड, वो पासवर्ड देंगे, आप नेक्स्ट कर लीजिए। उसके वही आपका से वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। और लर्नर लाइसेंस निकालने के बाद आपको 1 महीने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन